नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के 8:5:3 के अनुपात में है। यदि बॉक्स में कुल धनराशि 112 रुपया 50 पैसे है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन SSC CGL 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे 1 रुपया ratio 50 पैसा ratio 25 पैसा, राइट। अब इनका हम लिखेंगे रेशियो। रेशियो क्या दिया है, सिक्के कितने हैं 8:5:3 के अनुपात में है। अब हम देखेंगे कि धनराशि हमें किस में दी है, रुपीस में दी है, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीस में। ये किस में है, पैसे में, तो पैसों को हमें किस में बदलना है, रुपीस में। 1 रुपए के 8 सिक्के यानी कि 8 रुपए, 50 पैसे के 5 सिक्के तो हम देखेंगे 50 पैसे के 5 सिक्के 50 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 5 = 25, ये हो गए 250 पैसे। अब हमें इसे रुपए में कन्वर्ट करना है, तो 1 रुपए में हमारे कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, रुपीस में बदल जाएगा। ये बेसिक चीज़ हम लोगों को आनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 जीरोज़ हटाए हमने, और 2 जीरो के बाद क्या लग जाता है, पॉइंट, यानी कि 50 पैसे के 5 सिक्के हमारे किसके रूप में हो गए, 2.5 रुपये। और वैसे भी आप जोड़ सकते हैं, 50 पैसे 50 पैसे करके जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा 50 पैसे, 2 50 पैसे 1 रुपया, फिर 2 50 पैसे 2 रुपया हो गए, 1 बचा 50 पैसे तो 2.5 रुपये हो गए। वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, हमें दोनों तरीके से ही हमें आना चाहिए, राइट। 25 पैसे के 3 सिक्के, तो 25 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75 पैसे, राइट। अब 75 पैसे को हमें रुपए में बदलना है, तो 75/100 करेंगे, रुपये में बदलना है, तो ये 100 के डिवाइड करने से ये किस में आ गए, रुपए में आ गए। 2 जीरो हटा के ऊपर 2 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितने हो गए, 0.75 रुपीज़। ये सब क्या आए हैं हमारे, रुपीज़। अब रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, दिया हमें क्या है, कुल धनराशि हमें दी है 112 रुपये 50 पैसे, तो कुल रुपए की तुलना हम किससे करेंगे, रुपए से करेंगे, तो हम इसको जोड़ लेते हैं, 8 रुपये 2.50 रुपीस और 0.75 रुपीस, जोड़ेंगे 5, 7 और 5 12, 8 और 10 और 1 11, तो ये आ गया हमारा 11.25, राइट। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है उससे हमें क्या करना है, यानी कि रुपए को हमें क्या करना है, रुपए से भाग किया हमने। अब पूछा हमसे क्या है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या कितनी है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो दिया है, रेशियो मेथड जो दिया है उससे हमें क्या करना है, भाग, और जो पूछा है उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पॉइंट हटा के 0 गया, पॉइंट हटा के 0 गया, 5 से काटेंगे 5 × 10, 1 बचा 5 × 10, 2 बचे 5 = 25, ये काटेंगे 5 × 10, 1 बचा 12 हुए, 5 × 10 = 25, 0, 225 एक अब 225 0, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 10 × 5, 10 × 5 क्या हो गया, 50, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 50, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।